हम ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स की डेवलपमेंट के बारे में उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से जो टाइप ऑफ आइटम आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीशन टाइप आइटम जिसको शॉर्ट आंसर भी हम कहते हैं तो हम इनके जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह और यूजेस वगैरह पे सेशन में डिस्कशन करेंगे देखिए ये भी ऐसे टाइप ऑफ आइटम है जो अमूमी तौर पे लोअर ऑर्डर लर्निंग को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसमें हम दो तरह से इनको तकसीम कर सकते हैं एक शॉर्ट आंसर्स है और दूसरा कम्पजिशन टाइप है अपने मकसद के लिहाज से तो ये मोर और लेस एक ही तरह के होते हैं लेकिन शॉर्ट आंसर्स में अमूमी तौर पे हम क्वेश्चन को एक मुकम्मल सवाल की सूरत में एक सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं और स्टूडेंट जो है उसने उसका जवाब सप्लाई करना होता है यानी दिए गए जवाबों में से मुंतखब नहीं करना बल्कि खुद से जवाब लिखना होता है इसी तरह कई दफा हम इसी तरह के आइटम्स को एक और शक्ल में प्रजेंट कर देते हैं कि हम एक मुकम्मल फकर लिखते हैं और उसके अंदर से कोई एक जगह खाली छोड़ देते हैं और उस खाली जगह में स्टूडेंट को जवाब जो है वो सप्लाई करना होता है यानी अपनी तरफ से जवाब वहां पे लिखना होता है So, दोनों नाम फरक हैं, अपनी अपनी के नाम फर्क है लेकिन मोर और लेस अपनी अपने मकासद के लिहाज से एक है अपनी शक्ल के लिहाज से थोड़े से एक दूसरे से फर्क होते हैं इनमें अब देखिए कि दोनों में जो चीज कॉमन है वो यह आंसर का सप्लाई करना अब इस बात को अगर हम जेन में रखें तो इसको सामने रखते हुए हम अगली स्लाइड्स में जाके ये देखेंगे कि ऐसा कर लेने से हमारे कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशन जो हैं, उनका हल हमें मिल जाता है जो बाकी टाइप ऑफ आइटम्स के साथ हमें फेस करना पड़ता हो इसमें जवाब जो हम देते हैं इस तरह के supply type item में, जो जवाब होगा वो एक लफ्स की सूरत में भी हो सकता है एक फिक्रा या एक फ्रेज की शक्ल में भी हो सकता है कोई एक नंबर हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है इस तरह की कोई भी चीज इसके जवाब में दी जा सकती है यानी जवाब की जो लंबाई है आप समझ लें कि वो एक लफ्ज से तक महदूद हो सकती है और एक फिक्रे तक भी हो सकती है लेकिन इससे लंबा आंसर हम मुन इन सवालों में तो नहीं कर रहे होते शॉर्ट आंसर जो है ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन की शक्ल में पोज करते हैं जैसे मैंने पहले कहा ना अगर आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की शक्ल में लिखेंगे तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन की शक्ल में आ जाएगा जबकि फिल इन द ब्लैंक की शक्ल में कब आएगा जब आप असल में जवाब ही लिख रहे होंगे लेकिन उस फकरे में से वो लफ्स निकाल लेंगे या ये फ्रेज निकाल देंगे जो आप समझते हैं कि अहम था और ये स्टूडेंट को आपकी तरफ सप्लाई करना चाहिए तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आइटम हम कब इस्तेमाल करेंगे ये हम अपने टेस्टों में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें जरूरत होती है कि हम बहुत सारा कंटेंट थोड़े से वक्त में चेक कर लें तो हम बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स उसमें से बना देते हैं यही बात यही आर्ग्यूमेंट हमने जब आपको याद हो ट्रू फॉल्स आइटम्स पढ़ा था तो भी हमने यही आर्ग्यूमेंट दिया था कि जब थोड़े वक्त में ज्यादा कंटेंट चेक करना हो यही आर्ग्यूमेंट हमने उस वक्त भी इस्तेमाल किया जब हमने मैचिंग एक्सरसाइज की बात की लेकिन उन दोनों में और इसमें सिचुएशन का फर्क ये होता है कि मैचिंग एक्सरसाइज में हमारे पास एक तरफ प्रेमज और उससे रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स होने चाहिए एक तरफ इवेंट्स आ गए दूसरी तरफ साल आ गए ट्रू फॉल्स के मामले में ये शर्त थी कि वो टेक्स जिसमें से हम ट्रू फॉल्स बनाएंगे वो होमोजिनियस होना चाहिए इस फॉर्म ऑफ आइटम में यानी हम शॉर्ट आंसर्स में या कंप्लीशन टाइप में हमें ये दोनों का धन हमारे ऊपर नहीं है ये दोनों पाबंदियां नहीं है हमारे ऊपर हम किसी भी तरह के कंटेंट में से टर्मिनोलॉजीज फैक्ट्स प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स कोई किसी तरह का भी कंटेंट होगा हम उसमें से ये बना सकते हैं और मकसद यही है कि ये लोअर ऑर्डर लर्निंग को मैयर करे और थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा ज्यादा कॉन्टेंट या ज्यादा नॉलेज हम बच्चों का चेक कर सकते हों इसके जरिए से अगर आप इसके एडवांटेजेस की तरफ आएं तो हम देखते हैं जैसा मैंने भी कहा कि लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स और थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम चेक किए जा सकते हैं हाँ इस, इस बात में एहतियात करनी होगी कि बाजात हम क्वेश्चन तो शॉर्ट बनाते हैं और खास तौर पे मैथमेटिक्स में या साइंस के मज़ामीन में जहाँ सवाल तो देखने में जवाब एक लाइन का होता है लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेसिंग है जो जहन में बच्चे के अमल होना है उसके जवाब तक पहुंचने के लिए वो बड़ा लेंथी होता है मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं किस प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू नाइनटीन एक्स इज ट्वेंटी वाई इज अलेवन फाइंड जी अब ये देखने में तो यह है कि एक z की वैल्यू निकालनी है सिर्फ इस इक्वेशन में लेकिन अगर आप देखिये तो इसको करने के लिए एक प्रोसेसिंग है जो जहन में एक मेंटल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और जो जो जिसके बाद इसका जवाब मिलेगा तो इसको करने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म और इसके साथ अमूमन बच्चे को करने के लिए एक स्पेस भी चाहिए होती है कागज के ऊपर जिसपे वो इसको हल कर सके अगर वो मेंटली नहीं सॉल्व कर सकता तो सो so, लिहाजा ये एहतियात करनी है कि जब हम ये टाइप ऑफ आइटम बनाएं तो क्योंकि इसके पीछे मकसद ही सिंपल यह था कि हम कम वक्त में ज्यादा नॉलेज को चेक कर सकें और अगर हम ऐसे सवालत ज्यादा दे देंगे जिनमें वक्त दरकार हो हल करने के लिए तो हमारा वो मकसद जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है सो so, ये इस तरह की सिचुएशन को हमें इन सवालों में खास तौर पे खास हद से ज्यादा ऐसे सवाल वो नहीं देने चाहिए जिनमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसके जरिए से एक और फायदा जो हमें होता है वो गैसिंग की प्रोबेबिलिटी को गैसिंग के इम्कान को हम कम कर देते हैं मतलब दूसरी जैसे ट्रू फॉल्स था ना तो उसके आगे दो जवाब हैं यस या नो ट्रू या फॉल्स तो अगर इंसान तुक्का लगाना चाहे गैस करना चाहे तो उसके पास फिफ्टी परसेंट चांस है कि वो गैस कर सकता है इसी तरह एम जिनको हम बहुत अच्छा टाइप ऑफ आइटम कहते हैं उसमें भी गैसिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है यानी वन फोर्थ तो थी अगर आप चार ऑप्शन देते हैं तो पच्चीस फीसद थी प्रोबीबिलिटी ऑफ गैसिंग आप अगर जेहन में याद करें तो हमने तब ये बात पढ़ी अब शॉर्ट आंसर्स में या कंप्लीशन टाइप में वो प्रोबिबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि हमने कोई जवाब दिए ही नहीं हुए ये सिलेक्शन टाइप आइटम नहीं है ये सप्लाई टाइप आइटम है सो जवाब आपको खुद से लिखना है लिहाजा जो गैस करने की प्रॉबिलिटी है वो या इम्कान है वो काफी हद तक कम हो जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ घेसिंग को जब हम कहते हैं कि ये इसका एडवांटेज है तो ये एडवांटेज असल में हमें दूसरे टाइप ऑफ आइटम्स के साथ मवाजना करते हुए ज्यादा बेहतर समझ आता है जो मैं आपको अभी समझा चुका हूं उसी बात का जिक्र इस पॉइंट में किया हुआ है इनके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये है कि अमूमन टीचर्स जब इनको बनाते हैं ना तो इन आइटम्स को वो सब किताब में से दिए गए टेक्स्ट में से फिक्रे उठा लेते हैं और उन फिक्रों में से कोई एक लफ्स निकाल के वहां खाली जगह का निशान डाल देते हैं इससे बहुत सारी खराबी ये पैदा होती है कि उस खाली जगह में आप तो करते हैं कि जो लफ्ज आपने मिटाया उसका जवाब आएगा वो जवाब में लिखा हुआ आएगा जबकि स्टूडेंट उसमें कोई और लफ्ज लिख देता है और स्टूडेंट का लिखा हुआ लफ्स भी दुरुस्त हो सकता है यानी ऐसे आइटम हम बना लेते हैं जिनके अंदर एक जगह पे मल्टीपल आंसर्स फिट आ जाते हैं सो वो और सारे के सारे दुरुस्त मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ हमने लिखा करारदाद पाकिस्तान डैश में पेश की गई अब करारदाद पाकिस्तान के आगे हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया और लिखा डैश में पेश की गई अब उस खाली जगह पे लाहौर भी लिखा जा सकता है उसकी जगह पे उसका सन भी लिखा जा सकता है कि उन्नीस में हुई थी सो दोनों जवाब दुरुस्त हैं लेकिन अमूमन मैंने जब की बनाई होगी तो मैं वो जवाब लिखा होगा की में जो किताब में था जबकि स्टूडेंट ने जब अगर फर्ज कर लें मेरे किताब में सन लिखा हुआ था और वो मैंने मैं तो करता हूँ कि उन्नीस बच्चा यहाँ जवाब में लिखे लेकिन उसने लाहौर लिख दिया तो जवाब तो फिर भी ठीक है हमें इन आइटम्स को बनाते वक्त इसकी इस लिमिटेशन को इस तरह से दूर करना है कि जो ब्लैंक स्पेस हम छोड़ें उसमें एक ही जवाब सिर्फ फिट आता हो उसकी लैंग्वेज इस तरह से डिजाइन की जाए और ये करने के लिए ज़रूरी है कि मैं फिक्र किताब से ना उठाऊं मैं अपने जहन में सोचूं कि मुझे क्या जवाब पूछना है और मैं उसके लिहाज से फिक्रा डिजाइन करूं कि जिसमें जवाब सिर्फ वही फिट आ सके और कोई जवाब उसमें फिट ना आ सके सो so, ये जो इसमें स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि वेल रिटर्न लिखा हुआ है इससे मुराद वेल रिटर्न से यही है कि उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें और कोई बात फिट ना आ सकती हो इन आइटम्स के जरिए से आप हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स नहीं मैयर कर सकते और ये बात हमें आइटम की सिलेक्शन के वक्त में रख लेनी है कि अगर मुझे हायर ऑर्डर लर्निंग हायर ऑर्डर लर्निंग से हमारी मुराद है एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एवेलुएशन अगर इन लर्निंग लेवल्स को मैयर करना है तो फिर ये आइटम अच्छा आइटम टाइप नहीं है सो लिहाजा अगर आपको लोअर ऑर्डर लर्निंग मयर करनी है तो वहां पर इनको इस्तेमाल करें और ये सिलेक्शन आइटम सिलेक्शन के वक्त इस बात का आपने ध्यान रखना है